ई पाठशाला के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं दीपक कुमार आज आपके लिए आज के वीडियो में हिस्ट्री का अगला लेक्चर लेकर गया हूं, जिसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डच कंपनी जो भारत में आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके बारे में आज जानेंगे कि मतलब वो कब भारत में आई थी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग अपने क्लास को और आगे बढ़ाते हुए और आज हम लोग डच के बारे में सीखेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल से नए नए जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी वीडियो के अपडेट मिलते रहें, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम लोग का ये जो यूट्यूब फैमिली है, ई पाठशाला फैमिली, वो काफी बड़ा हो सके और इसमें बहुत ही अधिक सदस्य जो है वो जुड़ सके। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, डचों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि आखिर डच थे कौन। ठीक ना, सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर डच क्या है, ये किस बीमारी का नाम है। तो देखो ध्यान से समझोगे कि जो डच है वर्तमान में जो है, ध्यान से समझिएगा, उस समय का ये हॉलैंड है। ठीक है, हॉलैंड, और वर्तमान में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नीदरलैंड कहते हैं। ठीक है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के जो निवासी होते थे, तो नीदरलैंड के निवासी या हॉलैंड के निवासी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डच कहते हैं। ठीक है, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को हम लोग क्या कहते हैं, डच कहते हैं। और जैसा कि मैंने जो सबसे पहला जो लेक्चर लिया था, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड जो पहला हम लोग का लेक्चर हुआ था, उस लेक्चर में ही हम आपको बताए थे कि डच कंपनी जो भारत में आई थी ये तकरीबन जो है 1595 ईस्वी में यहां पे भारत में आई थी। ठीक है, तो डच कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 1595 ईस्वी में, यह भी ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आप, जैसे कि जितना भी हम आपको कंपनी बताए, जैसे कि हम आपको बताए थे पुर्तगाली कंपनी, तो पुर्तगाली कंपनी का भी एक अलग नाम था। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से जो आपकी डच कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो इसका भी एक अलग नाम दिया गया था, और वो नाम क्या था वो आप लोग सीखिए। डच कंपनी का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक जो नाम था वो अगर हम आपको बताएं तो इसका नाम था वेरिंगदे, वेरिंगदे ओस्ट इंडस कंपनी। क्या नाम था इसका, वेरिंगदे ओस्ट इंडस कंपनी, समझ गया ना। देखिए तो यहां तक इतना सारा फैक्ट हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। पहला क्या कि डच कहां के निवासी थे, तो ये नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के निवासी थे। ठीक ना, ये कब भारत में आए थे सबसे पहले, पहले तो 1595 ईस्वी में आए थे, और ध्यान देना है कि इनकी कंपनी का वास्तविक नाम क्या था, तो वेरिंगदे ओस्ट इंडस कंपनी। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिए, हम यहां पर बता दिए कि 1595 में डचों का भारत में आगमन हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो पहला व्यक्ति कौन था जो भारत में डच के रूप में आया था। ठीक ना, या नीदरलैंड का वो पहला व्यक्ति कौन था, पहला व्यापारी कौन था जो भारत में व्यापार करने के लिए आया था। तो यहां पर ध्यान देना है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है कार्नेलियस, कार्नेलियस, कार्नेलियस डी हाउटमैन, हाउटमैन। ठीक है, तो कार्नेलियस डी हाउटमैन जो है ये पहला व्यक्ति है जो भारत में व्यापार करने के लिए आया था। ठीक ना, और ध्यान देना है कि जो कार्नेलियस हाउटमैन है ये सबसे पहले पहले डायरेक्ट भारत में आने के लिए नहीं आया था, ये जो है ये डायरेक्ट पहले पहले कहां पहुंचा था, तो सुमात्रा पहुंचा था। ध्यान से समझिएगा, ये सबसे पहले पहले कार्नेलियस हाउटमैन कहां पहुंचा, सुमात्रा, और ये सुमात्रा किसका भाग है, इंडोनेशिया का। ध्यान से समझिएगा, इंडोनेशिया का भाग था। ठीक है ना, ध्यान से समझो, सुमात्रा में सबसे पहले पहले कार्नेलियस डी हाउटमैन पहुंचा, कब, 1595 में। ठीक ना, और ध्यान देना है जैसा कि पिछले क्लास में जो मेन हम आपको भौगोलिक खोज भी बताए थे, तो उसमें भी बताए थे कि ये ठंडे प्रदेश में रहने वाले यूरोपीय लोग हैं। ठीक ना, और यहाँ पे गर्म चीजों की बहुत भारी डिमांड होती थी, जैसे मसाला वगैरह हो गया,
और मसालों की खोज में ही मेन जो है ये भारत और ये और जो पूर्वी देश हैं उनके साथ ये रिश्ता रखना चाहते थे, ठीक ना। भारत और पूर्वी देशों के साथ में इनका व्यापारिक संबंध का एकमात्र उद्देश्य था वहां से मसालों को प्राप्त करके यूरोप में पहुंचाना, क्योंकि इधर के मसाले जो है इसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा मात्रा में थी, ठीक ना, तो इसलिए सब आते थे। तो देखो पुर्तगाली तो डायरेक्ट भारत में आ गए और भारत से वो मसालों का व्यापार करने लगे पुर्तगाली, ठीक ना। लेकिन अगर हम डचों की बात करें तो यहां पे ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि डच जो है डच मसाला कहां से प्राप्त करते थे, तो इंडोनेशिया से, ठीक ना। ध्यान देना है कि मसालों को ये कहां से प्राप्त करते थे, तो मसाला का ये व्यापार जो है मसाला का व्यापार ध्यान देना है कि मसाला का व्यापार डच जो है वो इंडोनेशिया से करते थे, इसे मसाला द्वीप भी कहा जाता था, ठीक ना। और अगर इनको हम लोग देखें कि भारत से आखिर किस चीज का व्यापार करते थे, तो ध्यान देना है कि जो डच हैं ये अगर हम इनके बारे में देखें तो ये भारत से अगर देखा जाए तो भारत से ये सूती कपड़ों का व्यापार करते थे, सूती कपड़ों का व्यापार। तो ध्यान दो यहां पर एक प्रश्न बनता है कि भारतीय कपड़ों को यूरोप के बाजारों में किसने पहचान दिलाई थी, ठीक ना। तो ध्यान देना है कि भारतीय कपड़ों का व्यापार सबसे पहले पहले कौन प्रारंभ कर रहे हैं, डच। तो इसलिए इनके बारे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय कपड़ों को यूरोप के बाजारों में किसने पहचान दिलाई थी, तो कौन है, डच है, ठीक ना। ये आपको ध्यान देना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना चीज जो हम आपको बताए ये आपको समझ में आ गया होगा। डच मसालों का व्यापार किससे करते थे, तो डच जो है वो मसालों का व्यापार जो है वो इंडोनेशिया से करते थे, और भारत से किस चीज का व्यापार करते थे, तो ये भारत से जो है यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं ये भारत से कपड़ों का व्यापार करते थे, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर ध्यान देना है कि 1595 में ये भारत पहुंचे हैं, ठीक ना। भारत आगमन, भारत इनका आगमन कब हुआ है जी, तो 1595 में, ठीक ना। तो 1595 में जब ये लोग भारत में आए तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि जो भी यूरोपीय कंपनी होते थे, जो भी यूरोपीय कंपनी थे, तो सब के सब भारत में आने के बाद में इनका एकमात्र उद्देश्य होता था कि भारत में सबसे पहले पहले जो है हम लोग क्या करें कि एक अपनी फैक्ट्री स्थापित करें, ठीक ना। भारत में क्या स्थापित करें, फैक्ट्री स्थापित करें। और हम आपको बताए भी हैं कि फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री का उद्देश्य, फैक्ट्री का मतलब क्या होता था उस समय, एक भंडार गृह। फैक्ट्री का मतलब क्या होता था, भंडार गृह, जहां पे कि वो यहाँ पे खरीदने वाली वस्तुओं को जहां पे संग्रह करते थे और वहां से फिर जहाज पे लाद करके और अपने देश में लेके चले जाते थे। तो जो रखने का जो स्थान होता था उसी को हम लोग क्या कहते थे, फैक्ट्री कहते थे, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि 1595 में ये भारत आए हैं और 1595 में ध्यान देना है कि ये एकमात्र ऐसी कंपनी है डच जो कि भारत में पहले आ गई, यानी कि व्यापार पहले शुरू कर दी और इसकी कंपनी की स्थापना बाद में की गई है। यानी कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो स्थापना इसका जो है यहां पर ध्यान देना है कि 1602 ईस्वी में किया गया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई बाबू, तो 1602 ईस्वी में। यानी कि पहले पहले ये लोग भारत में पहुंच गए, व्यापार शुरू हो गया और व्यापार शुरू होने के बाद में क्या हुआ, इनकी कंपनी की स्थापना की जा रही। कंपनी कहां हुआ, यानी कि अपने देश में कंपनी की स्थापना, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, 1602 ईस्वी में, ठीक ना। और फिर 1595 में चुकी भारत पहुंच चुके हैं। फिर ध्यान देना है कि 1602 में इनकी कंपनी स्थापित हो गई और फिर ये भारत में अब इनके सामने समस्या थी कि भैया ठीक है जैसे सब लोग भारत में एक एक फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं तो वैसे हमको भी क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री स्थापित करना पड़ेगा। और फैक्ट्री का मतलब जैसा कि हम आपको अभी बताएं कि फैक्ट्री का मतलब क्या होता था, सामान रखने का एक जगह, ठीक ना। तो भारत में अगर फैक्ट्री की बात की जाएगी, प्रथम फैक्ट्री ध्यान देना है कि इनकी अगर पहली फैक्ट्री की बात की जाएगी तो डचों की पहली फैक्ट्री जो है ये 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में इनकी पहली फैक्ट्री जो है ये मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। कहां भाई, तो मसूलीपट्टनम में, मेन यहां पे ध्यान देना है कि इनकी फैक्ट्री स्थापित की गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि डचों की पहली फैक्ट्री जो है कहां स्थापित हुई थी, तो डचों की पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। और ये मसूलीपट्टनम है कहां बताइए, तो मसूलीपट्टनम जो ये मेन आपका जो है तमिलनाडु के बेल्ट में पड़ता है, समझ गए ना।
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, इतना चीज सबको समझ में आ गया ना। अब देखो इससे आगे हम लोग देखते हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना इन लोग का हो चुका है, कहां? तो मसूलीपट्टनम में, ठीक ना। देखो ध्यान से समझो, ये आपका इंडिया रहा, ये प्रायद्वीपीय भारत रहा, यहां पे मेन इनका जो है, ध्यान से समझिएगा कि यहां पे मेन इनका जो है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई है। ये कब स्थापित हुआ है? तो ये 1605 में, 1605 में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हो रही है मसूलीपट्टनम में, ठीक ना। मसूलीपट्टनम के बाद में ये जो है, ये अगला जो फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं वो कर रहे हैं नागपट्टनम में, नागपट्टनम में स्थापित कर रहे हैं। और ये नागपट्टनम जो है, यहां पे ध्यान देना है कि ये 1610 में इनकी फैक्ट्री स्थापित हो रही है, ध्यान से समझो। डचू ने 1610 ईस्वी में कहां स्थापित किया अपना फैक्ट्री? नागपट्टनम में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागपट्टनम को ही इन्होंने क्या बनाया? अपना मुख्यालय बनाया, ठीक ना। तो डचो का मुख्यालय कहां था भाई? तो डचो का मुख्यालय जो है वो नागपट्टनम में है, ठीक ना। नागपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1610 में, ठीक ना। ये चीज आपको समझ में आ गया है। अब जो है यहां पर ध्यान देना है कि 1610 में ही आपको यहां पे एक चीज और ध्यान देना है कि 1610 में ही एक तमिलनाडु का ही एक एरिया है जिसका नाम है पुलिकट। तो पुलिकट में इन्होंने अपना एक फैक्ट्री स्थापित किया। और ये ध्यान देना है कि ये पुलिकट कहां है? ये तमिलनाडु में है, ठीक ना। तो पुलिकट में भी कब स्थापित किए हैं? 1610 ईस्वी में। तो देखिए 1605 में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, 1610 में दूसरी फैक्ट्री नागपट्टनम, और 1610 में तीसरी फैक्ट्री भी स्थापित कर ली है, और ये कहां है? पुलिकट में, ठीक ना। इसके बाद में ध्यान देना है कि यहां पर ध्यान देना है कि पश्चिमी भारत जो है, पश्चिमी तट जो, यहां पर ध्यान देना है कि पश्चिमी तट पे इनकी एकमात्र व्यापारिक कोठी जो है वो यहां पर ध्यान देना है कि गुजरात के बेट में थी, ठीक ना। तो गुजरात के बेट में आपको ध्यान देना है कि सूरत, सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री जो है, जो कि पश्चिमी तट पर स्थापित की जा रही है। और ये कब स्थापित किया गया है? तो ये 1616 ईस्वी में स्थापित किया गया है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनेगा कि पश्चिमी तट पर डचो की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी? तो पश्चिमी तट पर डचो की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हो रही है? सूरत में स्थापित हो रही है। कब? 1616 में। क्योंकि देखिए डच जो है, डचो का व्यापार, चूंकि आप लोग जानते हैं कि इंडोनेशिया में मेन इनका बेल्ट जो है ज्यादा मजबूत था, इंडोनेशिया से व्यापारिक संबंध इनका पहले स्थापित हुआ था, तो इसलिए इन लोग का ये मैंने सोच था कि अगर हम इधर वाले बेल्ट पे ज्यादा कब्जा रखेंगे तो इंडोनेशिया और ये दोनों एक ही तरफ पड़ता है तो व्यापार करने में आसानी होगा, ठीक ना। तो इसलिए मैक्सिमम जो इनका व्यापार रहा था वो भारत के पूर्वी तट के सहारे रहा था, ठीक ना। और पश्चिमी तट पे ये, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सूरत में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। इसके बाद में ये आगे बढ़ते बढ़ते और पहुंच गए कहां? बंगाल। और बंगाल में आपको ध्यान देना है कि बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है पीपली, ठीक है। बंगाल में क्या नाम है उसका? पीपली नाम है, ठीक ना। तो पीपली में मेन आपको ध्यान देना है कि 1627 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में पीपली में इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। और पीपली जो है ये क्या था? ये बंगाल का, यहां पर ध्यान देना है कि बंगाल का पहला फैक्ट्री था। बंगाल में डचों का पहला फैक्ट्री कहां स्थापित हुआ था? तो ये पीपली में स्थापित हुआ था। और ये पीपली में कब हुआ था भाई? तो पीपली में 1625 ईस्वी में, ठीक है। पीपली के बाद में इन्होंने आगे जो है, यहां पर ध्यान दीजिए कि एक जगह है जिसका नाम क्या है? कासिम बाजार। तो कासिम बाजार में 1650 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया। कासिम बाजार में कब? 1650 ईस्वी में, ठीक है। अब देखो ये तो अभी तक तो इंडिया में चल रहे थे, ठीक ना। एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहीं पर मेन आपका एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका, ठीक ना। तो श्रीलंका में ध्यान देना है कि श्रीलंका में भी इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी डचों ने, ठीक है। डचों की व्यापारिक कोठी श्रीलंका में भी थी। और श्रीलंका में आपको ध्यान देना है कि श्रीलंका में इनकी पहली जो व्यापारिक कोठी स्थापित हुई थी, ये आपको ध्यान देना है कि 1658 ईस्वी में, 1658 में ये कहां पहुंच गए जी? तो श्रीलंका पहुंच गए। तो श्रीलंका में भी इनकी फैक्ट्री स्थापित हो गई 1658 ईस्वी में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फैक्ट्री का क्रम है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इतना समझ में आ गया है। अब देखो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं पहले, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए,
सबसे पहली चीज कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ है, तो भाई ये हुआ है 1595 ईस्वी में। सबसे पहले पहले यहां पर ध्यान देना है कि ये भारत में इनका आगमन कब हुआ, 1595। और एक बात यहां पे और ध्यान दीजिएगा कि ये भारत आने वाली दूसरी कंपनी है, ठीक ना, दूसरी मतलब व्यापारिक कंपनी है। ध्यान देना है कि भारत में आने वाली दूसरी जो है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी कौन है, तो ये डच है। ये चीज आपको ध्यान देना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, और दूसरे नंबर पे कौन आ रहे हैं, डच आ रहे हैं। पुर्तगाली 1498 में आए थे, डच कब आ रहे हैं, 1595 में। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं पुर्तगाल के बारे में, तो पुर्तगाल के बारे में दो वीडियो बनाया गया है, उसको आप लोग पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, वहां से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो ये तो क्लियर हो गया, इसके बाद में बताया कि 1595 में ये जो है आए हैं और दूसरे व्यापारिक कंपनी है। 1595 में जो व्यक्ति पहले पहले आया था, जो डच था, उसका नाम क्या था, कार्नेलियस डी हाउटमैन। और ये सबसे पहले पहले कहां पहुंच गया था, सुमात्रा में पहुंचा था, जो इंडोनेशिया का पार्ट है। और सुमात्रा से इन्होंने सबसे पहले पहले किस चीज का व्यापार प्रारंभ किया, मसालों का व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। इसके बाद में देखना है कि 1595 में ये आ चुके हैं और अब तक इनकी फैक्ट्री की स्थापना, सॉरी कंपनी की स्थापना नहीं हुई है, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित नहीं हुई है, पहले ही लोग आ चुके हैं, ठीक ना। और यहां से जाने के बाद में 1602 ईस्वी में किसकी स्थापना हो रही है, देखो 1595 में लोग आ चुका है और यहां से जाने के बाद में 1602 ईस्वी में क्या हो रहा है, वहां पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है। और उस कंपनी का नाम क्या है, तो वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, ठीक ना। डच कंपनी का नाम क्या था, वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी नाम था, समझ गया ना। अब देखिए, तो ये अपन जो है यहां पे फैक्ट्री कंपनी की स्थापना कर रही है। कंपनी की स्थापना करने के बाद में ये फिर से भारत आए और भारत में आने के बाद में इन्होंने क्या किया, अपना फैक्ट्री स्थापित किया। और इनकी पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई वो कहां पे स्थापित हुई, 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। मसूलीपट्टनम एक्चुअली हमको लग रहा है कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना, तो ये चीज ध्यान रखना है, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कहां है, ये मेन आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक ना, ये जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब देखो ये हो गया आंध्र प्रदेश में, मैंने ये अपना जो है पहली फैक्ट्री स्थापित कर लिए। उसके बाद में क्या हुआ कि 1505 में ये यहां पर स्थापित किए, 1505 के बाद में ध्यान देना है कि 1505 के बाद में 1510 में क्या किए हैं, तो 1510 ईस्वी में ये दो जगह स्थापित किए हैं, मेन एक है आपका नागपट्टनम, और नागपट्टनम में जो फैक्ट्री स्थापित किए उसी फैक्ट्री को इन्होंने क्या किया, अपना मुख्यालय बनाया। तो एक प्रश्न बनेगा कि डचों का भारत में मुख्यालय क्या था, या डचों का भारत में व्यापारिक मुख्यालय कहां था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नागपट्टनम हो जाएगा, ठीक ना। नागपट्टनम के बाद में 1510 में ही आप लोग देख पा रहे हैं कि जो है पुलिकट में ये स्थापित किए हैं। फिर इसके बाद में 1616 में कहां पहुंच गए हैं, ये पहुंच गए यहां पर सूरत में। और इसके बाद में ध्यान देना है कि पीपली में पहुंच गए 1625 में, बाबू यहां पर 1627 कर लो, 1627 में कहां पहुंच गए हैं, पीपली। और पीपली क्या है, ये बंगाल में है, और बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री है, ठीक ना। तो आपसे ये प्रश्न बनेगा कि बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी, तो ये कहां स्थापित हुआ है, पीपली में स्थापित हुआ है, ठीक ना। अब देखो आगे, इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि डचों की बंगाल में दूसरी फैक्ट्री कहां, कासिम बाजार में, और ये कब हुआ है, तो ये 1650 उसमें हुआ है, ठीक ना। अब देखो उसके बाद में 1658 में कहां पहुंच गए हैं, 1658 पहुंच गए श्रीलंका। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि डचों ने मसालों का व्यापार तो इंडोनेशिया से किया, तो भारत से क्या कर रहे थे, तो भारत से जैसा कि मैंने बताया कि भारत से ये किस चीज का व्यापार कर रहे थे, भारत से ये सूती वस्त्रों का व्यापार कर रहे थे। और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारतीय वस्त्रों को यूरोप के बाजारों में किसने पहचान दिलाई थी, तो कौन हो जाएंगे, डच हो जाएंगे, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देखो इसके बाद में ध्यान देना है कि 1661 की लगभग बात है, ठीक ना, 1663 की बात है। भारत के उस समय के तत्कालीन शासक थे जिनका नाम था औरंगजेब, ठीक ना, औरंगजेब। तो औरंगजेब जो है इन्होंने ध्यान देना है कि 3.5%, ठीक ना, कितना हो, औरंगजेब ने 3.5% जो है 3.5% टैक्स के बदले में बंगाल जो है बंगाल के क्षेत्र में व्यापार का अनुमति दिया,
ठीक है। औरंगजेब जो है, औरंगजेब ने क्या किया, यहां पर ध्यान दीजिए कि औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में 3.5% जो है वार्षिक कर के बदले में जो है इनको बंगाल के क्षेत्र में व्यापार करने की, बंगाल बिहार और उड़ीसा उस समय समझ लीजिए, बंगाल करने का मतलब क्या हुआ कि बंगाल वर्तमान वाला और पूरा बिहार हो गया और फिर पूरा उड़ीसा हो गया और पूरा बांग्लादेश, ये पूरे बेल्ट में औरंगजेब ने जो है डचों को व्यापार करने का जो है यहाँ पे अधिकार दे दिया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि डच जो है, डच पहले व्यापारी है जिनका पटना में भी जो है मेन आपका केंद्र है, ठीक ना, पटना में व्यापारिक केंद्र था, पटना में भी इनका व्यापारिक केंद्र था। और ध्यान देना है कि पटना में जो व्यापारिक केंद्र था इनका लगभग 1632 ईस्वी के लगभग में स्थापित हुआ था, 1632 में पटना में जो इनका व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ, कब हुआ है, 1632 ईस्वी में स्थापित हुआ है। और ये जो है वर्तमान में जो आप देखते हैं पटना जो कॉलेज है, पटना कॉलेज जो है, तो पटना कॉलेज का ही जो ये मेन इलाका है, पटना कॉलेज वर्तमान में इसमें चलता है, ठीक ना। तो ये क्या था, ये डचों का पटना में व्यापारिक केंद्र था, फैक्ट्री था मेन, ठीक ना, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम आपको आगे की चीजों को बताते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग क्या सीखे कि डच जो है कब भारत में आए थे, प्लस में ये भी हम लोग जान गए कि डच जब भारत में आए तो भारत में आने के बाद में इन्होंने कहाँ कहाँ अपना व्यापारिक जो केंद्र है वो स्थापित किया, और साथ ही साथ भारत से इन्होंने किस चीज का व्यापार किया, और साथ ही साथ इंडोनेशिया से किस चीज का व्यापार किया, ठीक है। और ये भी हम लोग सीखे कि भारत में आने वाला पहला डच यात्री कौन था या डच व्यापारी कौन था, ठीक है। तो अब जो है यहां पर समझिएगा कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट है डचों से रिलेटेड जो आपको समझना चाहिए। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि डचों का मैक्सिमम जो बेल्ट है, मैक्सिमम जो व्यापारिक केंद्र है, सब कहां था, पूर्वी तट पे था। तो इसलिए एक प्रश्न बनता है कि डच जो है, डच किस तट के सारे व्यापार किए थे, तो डच पूर्वी तट के सहारे सहारे व्यापार किए थे, व्यापार किए थे, ठीक ना। डचों के सारे व्यापारिक केंद्र जो थे वो कहां थे, वो थे टोटल यहाँ पे जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि पूर्वी तट पर थे, ठीक ना। इनका एकमात्र व्यापारिक केंद्र जो पश्चिमी तट पर था वो कौन सा था, वो था सूरत, जो कि 1616 ईस्वी में स्थापित हुआ था। मैंने पिछले जो यहाँ पे अभी पुरंत जो पहले जो टॉपिक पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया भी कि इसमें जो यहाँ पे एकमात्र जो पश्चिमी तट पर इनका जो केंद्र था वो कौन सा था, ये था आपका सूरत, जो कि 1616 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अब देखिए तो पहली चीज की डच जो है वो किस तट के सारे व्यापार किए थे, तो ये पूर्वी तट के सारे व्यापार किए थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस यूरोपीय कंपनी ने भारत के पूर्वी तट के सहारे अपने व्यापारिक केंद्रों को स्थापित किया था, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके डच। अब देखिए डच जो है, डचों ने भारत में यहां पर जो है अगर देखें तो इन्होंने सिक्का को ढालने के लिए टकसाल भी बनाया था। और ध्यान देना है कि ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो पुली कट आप देख रहे हैं, पुलिकट जिसपे इन्होंने कब अधिकार किया था, तो 1610 में, तो पुलिकट में इन्होंने क्या स्थापित किया, एक टकसाल स्थापित किया, ठीक ना। पुलिकट में डचों ने एक टकसाल को स्थापित किया था। और आपको ध्यान देना है कि ये जो टकसाल है यहां पे, ये सोने के सिक्के जारी करते थे, सोने के सिक्के जारी करते थे, जारी करते थे, ठीक ना। तो देखो बाबू, डचों ने पुलिकट में एक, पुलिकट जो तमिलनाडु में है जिसपे 1610 ईस्वी में इनका अधिकार हुआ है, तो पुलिकट में इन्होंने एक टकसाल की स्थापना की। और इस टकसाल में ये किस चीज के सिक्के ढालते थे, तो टकसाल में ये लोग सोने के सिक्के ढालते थे। और एक चीज और ध्यान देना है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इन सिक्कों को हम लोग पैगोडा कहते थे। पैगोडा क्या है बाबू, ये है सोने का सिक्का, ठीक ना, सोने का सिक्का। और ये पैगोडा नामक सोने का सिक्का किस यूरोपीय कंपनी के द्वारा जारी किया जाता था, तो ये कौन है, डच है, ठीक ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा,
कि ये जो आप यहाँ पे पैगोडा सिक्का देख रहे हैं, इस सिक्के पर वेंकटेश्वर स्वामी की मेन जो है चित्र अंकित रहता था, ठीक ना, वेंकटेश्वर स्वामी की। और वेंकटेश्वर स्वामी है कौन भाई, तो ये विष्णु जी हैं। तो विष्णु जी की जो यहाँ पर जो है अगर देखें हम लोग, तो विष्णु जी की चित्र अंकित होता था किस सिक्के पर, पैगोडा सिक्का पर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि डच जो है वो किस तट के सहारे व्यापार कर रहे थे भाई, तो डच जो है वो पूर्वी तट के सहारे भारत में व्यापार कर रहे थे, ठीक ना। और इन्होंने पुलिकट में एक टकसाल की स्थापना की थी, और इस टकसाल में किस चीज के सिक्के ढाले जाते थे, तो ये सिक्के सोने के होते थे, और इन सिक्कों को हम लोग कहते क्या थे, पैगोडा सिक्का कहते थे, ठीक ना। एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो पैगोडा सिक्का है, तो इस पैगोडा सिक्का पे डच जो है, यहाँ पर ध्यान दे अगर, तो पैगोडा सिक्का जो है, तो पैगोडा सिक्का पे ये किस चीज की मूर्ति अंकित करते थे या चित्र अंकित करते थे, तो पैगोडा सिक्का पर वेंकटेश्वर स्वामी की चित्र अंकित की जाती थी। और वेंकटेश्वर स्वामी की पहचान किससे की गई है, ये है विष्णु जी, ठीक ना, तो विष्णु जी की चित्र वहां पे अंकित होता था, ठीक है। ये चीज हम उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब देखो यहां पर ध्यान देना है कि ये सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि दो युद्ध ऐसे हुए जो भारत में डचों की स्थिति को कमजोर कर दिए, ठीक ना। दो को युद्ध ऐसा हुआ था जो भारत में डचों की स्थिति को कमजोर कर दिया। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक जो युद्ध हुआ है ये हुआ है 1741 में, और ये युद्ध जो है किससे हुआ है, मार्तंड वर्मा। देखो भाई यहां पे ये वाला जो बेल्ट देख रहे हो इसी को केरल कहते हैं, और केरल के उस समय के राजा कौन थे, मार्तंड वर्मा, ठीक ना। केरल के राजा कौन थे, मार्तंड वर्मा। और मार्तंड वर्मा जो है, मार्तंड वर्मा से इन्होंने एक लड़ाई की थी डचों ने, और इस लड़ाई का नाम था कोलाचेर, ठीक ना, कोलाचेर की लड़ाई। तो कोलाचेर की लड़ाई जो है, इसमें ध्यान देना है कि डच जो है ये पराजित हो गए, डच क्या हो गए, पराजित हो गए। तो पहला यहां पे ये देख लिया आप लोग कि मार्तंड वर्मा से पराजित हो गए। इसके बाद में 1759 की बात है, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था वेटरा का युद्ध। और ये प्रश्न बनता है कि वेटरा का युद्ध कब हुआ था, तो वेटरा का युद्ध जो है ये हुआ था 1759 में, और ये हुआ था, यहां पर ध्यान दीजिए कि डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें जो डच है ये पराजित हो गए थे, ठीक ना, और ये जो है ये विजयी हुए थे। देखो भाई डच क्या हो गए थे, हार गए थे, और अंग्रेज क्या हो गए थे, जीत गए थे। तो ये दो युद्ध जो है इन्होंने जो है डचों के मेन यहां पे भारत में पतन में मुख्य भूमिका अदा किया, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए तो डच का यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था मैंने बता दिया कि डच जो है, डच भारत में किस तट के सहारे व्यापार करते थे, तो ये जो है ये भारत में मेन आपको अगर देखा जाए तो पूर्वी तट के सहारे व्यापार करते थे, ठीक है। इसके बाद में ध्यान देना है कि 1610 में जब पुलिकट पे इनका अधिकार हुआ, तो पुलिकट में इन्होंने क्या किया, एक टकसाल की स्थापना की, और इस टकसाल में सोने के सिक्के जारी किए, और इन सोने के सिक्कों को हम लोग क्या कहते हैं, पैगोडा। जो ये सोना का सिक्का होता था, ठीक ना, और इस पर वेंकटेश्वर स्वामी की चित्र अंकित होता था, ठीक ना। वेंकटेश्वर स्वामी की पहचान किससे की गई है, वो विष्णु से की गई, भगवान विष्णु से, ठीक ना। इसके बाद में जो पतन है, तो पतन के कारणों में हम लोग क्या देखते हैं, दो कारण, एक 1741 में कोलाचेर की लड़ाई, और दूसरा वेटरा का युद्ध, ठीक ना। कोलाचेर की लड़ाई भी कब हुआ था, तो कोलाचेर की लड़ाई जो ये 1741 में हुआ था मार्तंड वर्मा और डचों के बीच में, जिसमें डच जो है वो क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरी लड़ाई आप देख पा रहे हैं वो कब हुआ है, 1759 ईस्वी में, जिसका नाम क्या है, वेटरा का युद्ध। और वेटरा के युद्ध में भी क्या हुआ था, ये डच और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। ये चीज आपसे पूछा जाता है कि वेटरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो डच और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो वेटरा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भी क्या हुआ था कि डच पराजित हो गए थे और अंग्रेज जो है वो जीत गए थे। तो दो युद्ध हुए जिनके कारण डचों की स्थिति जो है भारत में काफी कमजोर हो गई, और अंततः उनको भारत छोड़ना पड़ा, ठीक ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सीखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अंग्रेजों के बारे में सीखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई,
कैसे आई, कहां कहां पे व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और फिर अंततः क्या ऐसे मतलब परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण ब्रिटिश कंपनी जो है वो भारत में शासन स्थापित कर पाई, ठीक ना। तो इन सारी चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने परिवार को और बड़ा कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।